यू ऑल आर वेलकम टू फ्यूचर वर्ल्ड किड्स एजुकेशन चैनल। हम अपने तमाम स्टूडेंट्स और स्पेशली अपने टीचर्स को वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जो कि आपकी फरमाइश पर बनाई गई है। इसकी बहुत डिमांड थी, जो कि है शेप्स से रिलेटेड। तो आज हम आपको बताएंगे कि शेप्स के बुलेटिन बोर्ड हम किस तरह बना सकते हैं क्लासेस में, जो कि प्री स्कूल और जूनियर स्कूल दोनों क्लासेस में आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ शेप्स बेसिक होती हैं और कुछ शेप्स एडवांस होती हैं, तो हम आपको आज सारी शेप्स के बारे में बुलेटिन बोर्ड्स को डेकोर करने के आइडियाज़ बताएंगे। आप अपनी क्लास में बुलेटिन बोर्ड्स, सॉफ्ट बोर्ड्स को शेप्स के थ्रू किस तरह डेकोर कर सकते हैं, और आप शेप्स को इजी वे में फन लर्निंग में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू बुलेटिन बोर्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट बोर्ड की पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हैं। आप चार्ट पेपर्स के थ्रू, फॉर्मिक शीट्स के थ्रू और कोई भी रिसाइकलिंग मटेरियल लेकर उसकी शेप्स बना सकते हैं। डिफरेंट शेप्स, बेसिक शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हार्ट और इसी तरह की तमाम शेप्स जो कि स्कूल में बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं, जैसा कि ये बोर्ड आपने देखा। और आप इन शेप्स को डिफरेंट कटिंग्स के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप इन शेप्स के थ्रू, जैसे ये काइट है, आप शेप्स भी इसमें बच्चों को लर्न करवा सकते हैं और इसको स्प्रिंग के बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्प्रिंग सीजन के जो बोर्ड्स हैं वो बनाने के लिए शेप्स को बना सकते हैं। ये देखें, बर्ड बना हुआ है शेप्स के थ्रू। ये वॉल डेकोर शेप्स के थ्रू किया गया है। इसी तरह ये भी वॉल डेकोरेशन है जो कि शेप्स के थ्रू हुई है। और ये देखें कितना खूबसूरत बोर्ड है जिसमें बर्ड्स का इफ़ेक्ट दिया गया है। ये देखें एक और खूबसूरत बोर्ड। इसी तरह ये भी मुख्तलिफ शेप्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्ट बोर्ड पर शेप्स के थ्रू हो रही हैं। और ये देखें बेसिक शेप्स को किस तरह क्लास में एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किया गया है। ये बोट है, ये देखें। इसी तरह मॉन्स्टर्स को भी आप शेप्स के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। ये और भी शेप्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं। आप चार्ट पेपर के थ्रू, कंप्यूटर पेपर और डिफरेंट मटेरियल आर्ट का यूज़ करके आप ये शेप्स बना सकते हैं। आप शेप्स की कैटरपिलर बना सकते हैं। देखें, कैटरपिलर शेप्स के थ्रू बनाया गया है। इस तरह बच्चे लर्न भी करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं शेप्स के थ्रू। ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत इमेजेस हैं। शेप्स को फन लर्निंग के थ्रू आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इस तरह बच्चे भी इंजॉय करते हैं और वो ईज़िली लर्न करते हैं, क्योंकि जो चीज़ फ़न के थ्रू आप बच्चों को लर्न करवाएंगे वो बच्चे बहुत ईज़िली लर्न कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट शेप्स में कलर्स भी यूज़ करके बच्चों को कलर्स भी लर्न करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी हैं ये, आप ईज़िली यू कैन मेक ऑल दीज बोर्ड्स वॉल्स पर, डोर्स पर, सॉफ्ट बोर्ड्स पर और इन्वायरमेंट में, हैंगिंग में भी आप ये शेप्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, वॉल पर ये शेप्स हैं, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। इस तरह ये सारी शेप्स हैं जो कि बच्चे इनको बहुत ही इंजॉय करेंगे और इनको लर्न करेंगे। ये हैंगिंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत शेप्स की, ये भी देखें।
उम्मीद है आपको हमारी आज की शेप्स डेकोरेशन की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा।